क्या आरजेडी के साथ आकर के नीतीश कुमार ने बड़ी गलती की है और इस गलती का खामियाजा नीतीश कुमार को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया हमने सबसे बड़ा पोल और सबसे बड़े पोल में आए सबसे चौंकाने वाले नतीजे, क्योंकि 20,000 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया। यह सबसे बड़ा ऑनलाइन पोल है जिसके जरिए आम यूजर्स, आम लोगों ने अपना मतदान किया है। और इस पोल के जरिए एक चीज तो साफ हो जाती है कि राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार ने कितने भी पैंतरे दांव खेले हों, कितनी बार गठबंधन बदले हों, लेकिन एक चीज ये है कि बिहार की जनता की नजर में हमेशा वो केंद्र पर रहे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार इसलिए केंद्र में रहे क्योंकि बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों में अगर कोई नेता एक छत्र राज किया है, सत्ताएं बदली हों, कुछ भी हुआ हो, पार्टी बदली हो, अध्यक्ष बदले हों, विधायक इधर सुधर हुए हों, मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री हो गया है। यानी नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में शीर्षस्थ स्थान पर बने हुए हैं और लगातार बने हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अजूबे की बात है, लेकिन ये तो राजनीतिक लोगों की बातचीत है। जो आम जनता का पोल है वो जरा समझ लीजिए। जो पोल आया है जनता का, उस पोल में एक चीज तो साफ है कि 58% लोगों को ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ गठबंधन करना काफी ज्यादा रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि जो छवि आरजेडी की गढ़ी गई है, जिस तरीके से उनको तमाम नेता और भी समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद जिस छवि के साथ नीतीश कुमार आते थे, सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए और सुशासन की बात करते थे वो, उन तमाम घटनाक्रमों के बाद अगर आप देखें तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति में कहीं खुद तो नहीं फंस जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब उनके तमाम पुराने गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़ेगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश भी हैं कि नीतीश कुमार चले गए। नीतीश कुमार के राज्य में जो घोटाले हुए हैं, जो पुराने नियम हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस तरीके से प्रशासनिक अमला कमज़ोर हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही क्या की जाए। कई जगह पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आपराधिक मामले हुए, उसमें बिहार की पुलिस हाँफती काँपती नजर आई थी। जिस तरीके से 58% लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने ये आरजेडी के साथ जो फैसला किया उसके हिसाब से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, वहीं 42% लोगों का मानना कि कोई नुकसान नीतीश कुमार को नहीं होगा, यानी कोई गलती नहीं की है उन्होंने। गलती की है या नहीं की है वे जनता तय करेगी, आगे के निर्णय तय करेंगे कि क्या राजनीतिक हालात बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद से बिहार में राजनीतिक भूचाल आया है। राजनीतिक भूचाल इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसके जरिए तमाम तरह तरह के समीकरणों और कयासों को भी हवा मिलनी शुरू हो गई है। इसके बाद से क्या राष्ट्रीय स्तर पर वो उतनी ज़्यादा मजबूती दिखा पाएंगे या बिहार की राजनीति को और मजबूत कर पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने लायक बात है, नीतीश कुमार जाते जाते ये भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा के गए कि जेडीयू को कमज़ोर करने की बीजेपी साजिश रच रही थी। तो क्या नीतीश कुमार इतना देर में समझ पाए कि बीजेपी उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रही थी? तमाम सवालों का जवाब अभी नीतीश कुमार को देना है। लेकिन फिलहाल जो जनता का पोल है वो आपके सामने हमने रख दिया है, 58% लोगों को लगता है हाँ, आरजेडी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार ने गलती की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। 42% लोगों को लगता है नहीं, नीतीश कुमार को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन चाहे जो भी निर्णय हो, एक चीज़ तो तय है कि नीतीश कुमार से ये तीखे प्रश्न जो मैंने उठाए हैं ये पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे। नीतीश कुमार इन प्रश्नों का सामना कैसे करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला चुनाव बताएगा और आगे आने वाले चुनाव की रणनीति भी बताएगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।